तो हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब स्ट्रक्चर वह हिस्सा होता है जिसका निर्माण जमीन सतह के नीचे रहता है, वह सब स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि अपना इसमें अपना फाउंडेशन हो गया, प्लिंथ लेवल्स के जो नीचे नीचे के सारे हिस्से रहते हैं वो सब स्ट्रक्चर कहलाता है। सब स्ट्रक्चर में अपना फाउंडेशन फुटिंग हो गई, इसकी PCC हो गई और प्लिंथ बीम हो गया, ये सब स्ट्रक्चर कहलाता है। और सुपर स्ट्रक्चर वह होता है जो प्लिंथ लेवल के ऊपर की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वह सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे अपने इसमें वॉल हो गए हैं, कॉलम हो गए, बीम हो गए, ऊपर के फ्लोरिंग हो गई है, डोर्स हो गए हैं, विंडोज हो गए हैं, रूफ हो गई, सील हाइट हो गई, लिंटल हो गए और इसकी पैराफिट वॉल, ये जितनी भी चीज़ें रहती हैं यानी कि प्लिंथ प्लिंथ के ऊपर की सारी चीज़ें वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाती है। इसमें छज्जा भी आ जाता है और स्टेयर और कॉम्पिंग भी आ जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए।